मेरा 15 साल का रिकॉर्ड है कि एक आदमी खड़ा होकर कह दे कि आपने मेरे को वोट के चक्कर में या पार्टी के चक्कर में इधर से इधर भेज दिया, इधर से इधर भेज दिया या मेरा नुकसान कर दिया। अब आज तो भाई जी बाढ़ से आ रही है, जालोर, पाली, जोधपुर, झालावाड़, झापड़ भाई ठीक है, अपना अपना विवेक है, अपनी अपनी बात है। कई अधिकारियों को भी लग रहा है यार पता नहीं क्या होगा क्या होगा। अरे भाई की गोली में तो जीव तो राम खड़े निकल से नहीं, गोली निकल खाने ही चलानी पड़ेगी। मतलब नहीं है इन चीजों का। जब आपने मौका दे दिया तो अब हमको सारी चीजें भुला करके ईमानदारी के साथ में एक जगह पे बैठ करके काम करने चाहिए। सरकार बनने के बाद में सबकी होती है और जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी बनने के बाद में सबके होते हैं। मुझे जब इस कार्यक्रम के बारे में पूछा तो मैंने कहा भाई एमपी साहब को भी बुलाना, क्यों नहीं बुलाओ, हमारा एमपी है। और अगर कोई मुख्यमंत्री मंत्री आना चाहे तो आगे से मैं कहना चाहता हूँ मंच के माध्यम से कि सबको बुलाओ, सबका अधिकार है और सब लोग आए, हम इलाके का विकास के काम करें। और बाहर नहीं चाह रही है तो मांगना आ जाए तो जालोर चिंता है, जालोर तो नौकरी करे तो जालोर भी चले जाए तो बेटी का बाप कोई काम में क्यों पड़ता। वोट तो रोजी ना आवेगा। आज एमएलए का आया, दो मनाम एमपी का आ रहे हैं, पंचायत राज का 12 मनाम आ रहे हैं, ऑपरेटिव का आ जाएगा, मंडी का आ जाएगा, नगर पालिका का आ जाएगा, फिर वो हजार में और एमएलए का आ जाएगा। ये जनता ने फैसलो करवा दी और व्यक्ति ने जनप्रतिनिधि की तरीके से आगे बढ़ावेगी। जनता का अपना काम कर पाटो दिन जीतो आप प्रयास रहना चाहिए। कोई नहीं बुलाओ कोई प्रोग्राम में बीजेपी के ने मंत्री ने संतरी ने होना चाहे जीतते रहो, होना चाहे जीतते रहो, जनप्रतिनिधि होना चाहिए। कोई नहीं बुलाओ, गोविंद डोटासरा की तरफ से कोई मनाई नहीं है। मैं आगे आज लक्ष्मणगढ़ में कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आओ अगर कोई विकास को काम करे मन बुलाऊंगा तो मैं भी कर स्वागत करूंगा कि बहुत बढ़िया बात है मेरे लक्ष्मणगढ़ में देखू दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।